टाइम हो रहा है 4, हो गया है शाम। इतना बारिश हो रहा था इसीलिए पहले तो हम लोग डिसीजन लिए थे कि स्टे कर जाएंगे, लेकिन सबका कोई ना कोई प्रॉब्लम अराइज हुआ है। सो अभी हम लोग निकल रहे हैं, लेकिन प्लान भी यह है कि रास्ते में अगर कोई प्रॉब्लम हो हम लोग कहीं पे स्टे कर जाएंगे। ये ऑप्शन है हम लोगों के पास और शायद जगह भी मिल जाएगा, क्योंकि हम लोग वैसा ही पॉइंट चूज़ किए हैं जहाँ से हम लोग जाएंगे और रहने का इंतज़ाम हो सकता है। सो आई होप कि सब ठीक हो जाए, बस सब लोग यही दुआ कर रहे हैं। भाई भी कैन आई से समथिंग अबाउट यस। तो इमरान दा के साथ मेरा ये फर्स्ट राइड है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इमरान दा के साथ बहुत दिनों का पहचान है और बहुत ही रिस्पॉन्सिबल भैया है। मैं चाहूंगा कि अगले बार से भी इमरान दा के साथ राइड करें। अरे भाई थैंक यू सो मच। सो आई होप कि सब ठीक रहे, हम लोग सुरक्षित पहुंच जाए। क्योंकि मुझे दो चीज़ खटक रहा है, वो है दो फॉरेस्ट एरिया हम लोग को क्रॉस करना है, वो भी अंधेरे में। तो अभी शायन कुछ बोलेगा आप लोगों को। तो हम लोग का जो राइड था वो भले ही थोड़ा टाइम लगा, थोड़ा राइड में थोड़ा प्रॉब्लम्स भी आया, मगर ये जो पूरा ग्रुप है वो पूरा फैमिली की तरह है। तो मज़ा भी बहुत आया, पैसा वसूल राइड था। तो अभी भी रास्ता, जो जैसे इमरान भैया ने बताया कि रास्ते में भी बारिश हो रहा है, सब है प्रॉब्लम्स है, मगर हम लोग पॉजिटिव माइंड से निकल रहे और पॉजिटिवली घर पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। सो लेट्स होप वी रीच होम सेफली। सो चलते हैं। एक चीज़ मुझे बताना है आप लोगों को, एक इंफॉर्मेशन छोटा सा। अगर आप पुरुलिया प्लान कर रहे हो, मेक श्योर यू हैव फुल टैंक, और हो सके तो जेरिकन में 2-3 लीटर एक्स्ट्रा रख देना हमेशा, क्योंकि यहाँ पे आसपास में पेट्रोल पंप मिलना बहुत ही मुश्किल है। और लोकली जो दुकानों में देख रहा हूँ मैं, बॉटल्स में पेट्रोल मिल रहा है, लेकिन वो तो भरोसेमंद पेट्रोल पंप पेट्रोल होता नहीं है, बाइक का हालत बिगाड़ देता है वो पेट्रोल। तो मेक श्योर यू हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फ्यूल। बाइक लेके अगर आते हो तो बहुत ही प्रॉब्लम होता है। फोर व्हीलर्स को भी मैं बता देना चाहता हूँ, एकदम ये ध्यान में रख के चलिएगा आप लोग कि फ्यूल पंप जहाँ भी हो अगर 1 लीटर भी खाली हो रहा है तो भरवा लो। ये हम लोगों का एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ। टाइम हो रहा है 6:45 और हम लोग NH6 से लगभग 195 किलोमीटर दूर हैं। एक अलग ही एक्सपीरियंस हो रहा है जाने के टाइम भी। Proud of my group, Roadway Rollers. Thank you guys for having me with you all. I'm so blessed to have you all. I'm missing each and every one of you. जो हम लोगों के साथ इस ट्रिप में आ नहीं पाए हो, yes, I am missing each and every one of you. सोचो अगर वो आप सब यहाँ पे होते तो ये काफिला कितना लंबा होता। वाह वाह वाह, कॉन्वॉय ऑफ बाइक्स। अभी रूप लीड कर रहा है और मैं टेल पे हूँ। अच्छा नए व्यूअर्स, क्या आप लोग सब्सक्राइब किए हो मेरा चैनल? क्या यार, कर दो। नीचे सब्सक्राइब बटन आ रहा है ना, है ना, बस उसी को क्लिक करना है। और मेरे साथ राइडिंग पार्टनर में मिस्टर काउंट ब्लॉग्स, बाइकर बॉय प्रेम, द लेडी बोंग राइडर, सुरजीत ऑन बाइक, सबका चैनल सब्सक्राइब कर दो भाई, सबका चैनल सब्सक्राइब कर दो। हम ये लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत। साइन का भी एक चैनल है लेकिन उसका नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं वीडियो में बाद में बता दूंगा। क्या नज़ारा है, सब बाइक एक साथ विद द फ्लैशेस ऑन। ऑलरेडी अंधेरा हो चुका है, इट्स ऑलरेडी 7:30। मैं बता दूं, अगर मैं किसी को इंस्पायर कर रहा हूं फॉर राइडिंग पर्पस एंड ऑल,
कि आप लोग भी राइड करो कुछ भी। आई डोंट सपोर्ट राइडिंग एट नाइट, लेट मी मेक दिस वेरी मच क्लियर। मैं साफ साफ बता रहा हूँ, आई डोंट सपोर्ट राइडिंग एट नाइट। जस्ट आज एक बहुत ही इमरजेंसी है, कल दो तीन जन ऐसा है ग्रुप में जिनको घर जाना ही है, मुझे भी जाना है, मौसम खराब था इसीलिए हम लोग लेट स्टार्ट किए। बट लेट मी मेक दिस वेरी मच क्लियर, आई डोंट सपोर्ट राइडिंग एट नाइट। सो प्लीज़ इफ यू वांट टू राइड, अगर आप राइड करना चाहते हो, एक राइडर अपने आप को मानते हो, समझते हो, देन प्लीज़ 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 डोंट राइड एट नाइट। बिकॉज दिन में राइड करना सबसे सेफ होता है। आई होप यू गाइज विल अंडरस्टैंड। Hell of a ride, man. Hell of a ride. Finally, हम लोग पहुंच गए बोनोलता। यहाँ पे हम लोग कर लेंगे डिनर और थोड़ा सा रेस्ट, उसके बाद जर्नी रिज्यूम होगा। एक डिसिप्लिन्ड और काफी फास्ट राइड के बाद हम लोग टाइम से पहले बोनोलता पहुंच गए। लुक एट अस, जस्ट देखिए सबका एक्सप्रेशन देखिए। कोई एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि 9 बजे के अंदर यहाँ पे घुस जाएंगे। बहुत ही डिसिप्लिन, बहुत ही सुंदर राइड हुआ। सब लेन इंस्ट्रक्शन मान के इतना सुंदर राइड हुआ कि बता नहीं सकते। ऑसम ऑसम ऑसम। बात यह है कि मेरा भाई कुली बन गया है। अमिताभ बच्चन का कुली देखे ना, पूरी दुनिया का बोझ यही उठा रहा है। अंदर डिनर करने के लिए सब एग्जॉस्टेड और एक्साइटेड। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। और इग्नोर माई आउटफिट, बहुत गर्म है भाई। राइडिंग जैकेट पहनने के बाद फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। आई मिस्ड एवरी वन हु कुडंट जॉइन अस इन दिस राइड। नेक्स्ट टाइम गाइज एवरी वन। देखिए मेरा हालत, आई एम सॉरी आई कांट हेल्प इट। बटर मसाला नान, बटर नान, बिरयानी। डिनर कंप्लीट, थोड़ा रेस्ट भी हो गया। ऑल सेट एंड रेडी टू रॉक एंड रोल वंस अगेन। विमान का तबीयत थोड़ा खराब है, लेकिन आई विश वो ठीक हो जाएगा, दवाई मिल गया उसको। एंड वी आर ऑल सेट वंस अगेन। मेरा भाई बाइकर बॉय प्रेम, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मिस्टर काउंट ब्लॉग्स, थैंक यू। सुरोजीतन बाइक, हाँ कौन तो बड़ी दो। लेडी बोंग राइडर, द लेडी बोंग राइडर, जिनका जिनका नाम लिया, चैनल पे जाइए, सब्सक्राइब कीजिए। लेट्स मूव। यहाँ से और करीब करीब हम लोगों को जाना है 126 किलोमीटर। हावड़ा है यहाँ से 106,
तो कम से कम 3 घंटा 3.5 घंटा का बात है। तो आई होप हम लोग 12:30 के आसपास पहुंच जाएंगे घर। लेट्स सी। जब निकला था तब भी 3:45 ही हुआ था, मैं जब आ रहा हूँ तब भी 3:45 ही हो रहा है। सो ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है, सब सही सलामत घर पहुँच गए एंड आई एम एट होम स्वीट होम। चलिए